गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th, विषय हिंदी है। और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 15 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो, इस वर्कशीट में हम नया अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। सो, इस बार जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को यहाँ पर याद करते हुए हमें बताएंगे, अपने बचपन को याद करते हुए उनसे जुड़ी सारी बातें बताते हैं। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हम लिखेंगे। सो, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो, वर्कशीट को शुरू करते हैं। अपने अपने मौसम की अलग बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। तो बच्चों, हर एक मौसम की अपनी बात होती है। बारिश में हम, बरसात के मौसम में हम बरसात का आनंद लेते हैं, गर्मी की अपनी बात है, सर्दियों की अपनी बात है, उनमें जो खाने के लिए अलग अलग चीज़ें आती हैं उनका हम आनंद लेते हैं। तो आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, तो बेटा आषाढ़ जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीना है जो कि जून जुलाई के जो बीच का समय होता है उसको आषाढ़ बोलते हैं। तो उसमें आम और जामुन जो है वो आते हैं। और तो लेखक यहाँ पे बताता है कि आषाढ़ में बेशक आम और जामुन ना मिले उसकी चिंता नहीं है। अगहन, अगहन भी बच्चों एक हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीना है जो मार्गशीर्ष मास इसको बोलते हैं, नवम्बर और दिसंबर के बीच में ये महीना पड़ता है। इसमें चिवड़ा, चिवड़ा बच्चों क्या है, चिवड़ा एक तरह का स्नैक्स है, स्नैक्स समझते हो ना, जो हम जैसे पोहा है इस तरह का ही एक तरह का चिवड़ा स्नैक्स है। तो चिवड़ा और गुड़ ना मिले, तो गुड़ ना मिले तो कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई, चैत भी बच्चों एक महीने का नाम है, तो चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। तो लेखक कहता है कि यहाँ पे इन महीनों में ये चीज़ें बेशक ना मिलें, ठीक है, अफसोस नहीं है, लेकिन कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भर जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक कहते हैं कि कुआर क्या है बच्चों, कुआर जो है यहाँ बरसात के दिनों को बोला गया है कि बरसात के दिनों में जो पानी भर जाता है, गंदा पानी, उसमें से स्मेल आने लगती है, गंद आने लगती है, तो उसमें अगर बच्चे हों और वो ना कूदें तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब लेखक जो है अपने बचपन की बात यहाँ पर बता रहा है कि जो पानी इकट्ठा होता है उसमें वो जो है कूदता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, तो यानी जो लेखक है वो अंदर ही अंदर जो है क्या हो रहा था, उसको वो तड़प रहा था उस पानी में कूदने के लिए। दो एक दिन ही तो कूद सका था, यानी जो पहले जो है लेखक उसमें कूदा था, लेकिन क्या हो गया, वो बीमार हो गया। तो दो एक दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया, तो फिर बीमार पड़ गया, जिसके बाद वो कूद नहीं पाया, इसीलिए वो अंदर से हुड़क रहा था। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है, तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि उनको हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। तो ये बच्चों अपने बचपन में लेखक बताता है कि जब उनको थोड़ा थोड़ा ज्वर हो जाता, सर में दर्द होता, और तो उनकी दादी उनको खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन देती, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। यानी अब की बार जो बुखार चढ़ा लेखक को वो जो है साधारण नहीं था, ज्वार चढ़ा तो चढ़ता ही गया, तो यानी जो बुखार चढ़ा तो वो चढ़ता ही चला गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। और उनका बुखार जो उतरा वो कब उतरा, रात को 12 बजे के बाद। अब यहाँ पर बेटा शब्द मित्रता दी गई है, यानी जो मीनिंग है वो दिए गए हैं आपको। चिवड़ा का मतलब हम क्या लिखेंगे, चिड़वा। हुड़क का मतलब क्या होता है, तड़प। ज्वर का मतलब बुखार, और साबू मतलब साबूदाना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं टोटल, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस को हम 1 by 1 करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इन सब के आंसर। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखे। तो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा कि लेखक ने जो है अलग अलग जो महीने हैं हिंदी महीने उनकी बात की है। लेखक ने आषाढ़, अगहन, चैत और कुआर के महीनों की बात की है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी हिंदी महीनों के नाम भी लिखने हैं। तो सभी हिंदी महीनों के नाम जो है वो इस प्रकार हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन आदि। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हिंदी महीने हैं, ठीक है, जो जनवरी, फरवरी ऐसे होते हैं, जो हिंदी में जो महीने होते हैं उनको इस तरह से बोला जाता है।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न दो है, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो जो हमने अभी वर्कशीट पढ़ी उसमें बताया गया है आम के बारे में, जामुन, चिड़वा, गुड़, लाई के साथ गुड़ की पट्टी, नींबू और साबूदाना, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन है, लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो लेखक जो है वो जो गंदा झाग भरा पानी था उसमें कूदकर जो है क्या हो गया, बीमार हो गया। लेखक गंदपूर्ण झाग भरे जल में कूदकर और नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक को कैसी बीमारी अच्छी लगती थी, लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न चार, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा। तो इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा, इस बार लेखक का ज्वर रात 12 बजे के बाद उतरा। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न पाँच है, यदि आपको ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं, लिखिए। तो जो है आप बच्चों को भी जैसे ज्वर हो जाता है, बुखार होता है, तो हमें ज़्यादा खाने पीने का मन नहीं करता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो मुझे यदि ज्वर हो जाए तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं ज्वर में ताजे फलों का जूस, हरी पत्तेदार सब्जियों का सूप, दलिया, दूध, ब्रेड आदि खाती हूँ। तो आपको क्या अच्छा लगता है वो आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ज्वर में क्या खाना अच्छा लगता है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा हिंदी की, एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये भी कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।